अस्सलामुअलैकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है, ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है। ओनली फॉर 35 लाख रुपीज बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के कलवा अस्पताल में पिछले जून महीने में 21 नवजात बच्चों के इलाज के दौरान मौत होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कलवा अस्पताल में 21 बच्चों की मौत का मामला ये सामने आया है। कलवा अस्पताल के डीन राजेश बारोटे ने बताया है कि कलवा अस्पताल में पूरे ठाणे जिले से मरीज रेफर किए जाते हैं, जो गर्भवती के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं उनको, या तो बच्चे का कम वजन होता है जिसके चलते उन्हें जो जन्म के दौरान बॉक्स थर्मोकोल का लगता है वो नहीं मिलने की वजह से अनेक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हमारे पास ठाणे, उल्लासनगर, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, खोपोली, माकुड़ा, पूरे ठाणे जिले से डिलीवरी की महिलाओं को यहाँ पर रेफर किया जाता है और आखिरी स्टेज पर महिलाएं यहाँ पर जब आती हैं, जिसके चलते उनके गर्भवती होने के दौरान जो बच्चों की इलाज के दौरान मौत होने की खबर सामने आती है। अस्पताल के अधीक्षक राजेश बरोटे ने बताया कि हम डिलीवरी के दौरान महिलाओं के बच्चे को बचाने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर डिलीवरी के बाद बच्चों के बदन में पॉइजन ज़्यादा मात्रा में फैल जाने की वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। या जब बच्चा 9 महीने का होता है तब बच्चे के माता के पेट में पल रहे बच्चे की सही तरीके से इलाज ना मिलने की वजह से वहाँ पॉइजन बच्चों में ज़्यादा फैल जाता है और डिलीवरी के दौरान बच्चों की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में जून के महीने में 21 बच्चों की मौत होने का ये मामला सामने आया है। जून महीने में जो है, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं आपके हॉस्पिटल की, 21 बच्चे जो है मृत्यु पाए गए, क्या उसकी वजह थी, क्या कुछ जो है बच्चे कहाँ से रेफर किए गए थे, आपके हॉस्पिटल से कितने बच्चे थे और बाहर से कितने बच्चे रेफर किए गए? जो जून में जो डेथ की जो आंकड़ेबारी 21 बच्चों की, नवजात शिशु की जो पाई गई है, उसमें से जो बच्चे एडमिट हुए थे वो 15 अपने अस्पताल में डिलीवरी हुई थी और जो 6 बच्चे हैं वो बाहर से, मतलब बाहर के अस्पताल से रेफर किए गए हुए थे। तो उसकी जो मृत्यु का कारण था, अगर अपन इसका एनालिसिस करते हैं तो 21 में से 19 बच्चे जो है वो लो बर्थ वेट थे, मतलब जिसका वजन जो रिक्वायरमेंट वजन है उससे काफ़ी कम था, एंड 21 में से 15 बच्चे प्रीटर्म, मतलब जो डिलीवरी का जो ड्यूरेशन है टाइम, कम से कम ड्यूरेशन जो लगता है 36 वीक्स, उसके भी नीचे के ड्यूरेशन के बच्चे थे जिसकी डेथ हुई है यहाँ पर। सर, आप बच्चे के डॉक्टर हैं, क्या वजह थी बच्चों में जिससे कि बच्चों की मृत्यु का गया, कितना जो है पॉइजन बच्चों में फैला था, क्या कुछ वजन बच्चों का हुआ था? वही मैं आपको बताया कि जो बच्चे का वजन था, अगर 21 बच्चों में से अगर हम देखें तो 1.5 किलो के नीचे के वजन के बच्चे जो एकदम क्रिटिकल गिने जाते हैं, जो इसको हम लोग एक्सट्रीम लो बर्थ वेट के कैटेगरी में देते हैं, वो 13 बच्चे थे जिसका कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल था, एंड जो बाकी के बच्चे थे वो भी प्रीटर्म बच्चे, 21 में से 19 बच्चे प्रीमेच्योर बच्चे थे, जो खाली 2 ही बच्चे जो हैं वो प्रीटर्म बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं था और एक बच्चे को इन्फेक्शन फैला हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। भविष्य में किस तरीके से अगर पेशेंट बढ़ते तो क्या कुछ उपाय होने वाला कल हॉस्पिटल की तरफ से? उपाय